बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच करंट आई इज 0.5 एम्पीयर इज। तो हमें यहाँ पे ना एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें ये वैल्यू, ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए पैरेलल में आर आर रेजिस्टेंस के, और उसके बाद ये वोल्टेज है 10 पोटेंशियल डिफरेंस की, और साथ में हमारे पास एक और रेजिस्टर है सीरीज में लगा हुआ है, वो है 10 ओम्स का। तो हमें फाइंड ये वैल्यू ऑफ आर करनी है। ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनमें से एक आर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और इन सब का मिलाकर करंट हमारे पास 0.5 एम्पेयर है। तो हमें सबसे पहले देखें, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से आर आ जाएगा वी ओवर आई, तो वो 20 ओम्स हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.5। ये भी 10 दिया हुआ, 10 वोल्टेज और 0.5 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो उसके बाद ये आर वो आया है जो टोटल इस पूरे सर्किट का हमारे पास रेजिस्टेंस होगी 20 ओम्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि ये दोनों है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हैं, तो इसलिए आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी हो जाएगी आर बाय एन, ठीक है, आर बाय टू। ये दो जो पैरेलल में लगे हुए हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आर बाय टू आ जाएगा इन दोनों की जगह, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन इनके साथ ये जो 10 ओम्स है ये सीरीज में लगा हुआ है, और हमारे पास फिर ये आ जाएगा, ये हमने रेजिस्टेंस को प्लस करना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, आर ई इन दोनों के मिलाकर प्लस 10 ओम्स जो पहले से सर्किट में है इज इक्वल टू 20 ओम्स। ये हमने जो यहाँ पे फाइंड किया कि इसकी दो पैरेलल में मिलाकर प्लस एक सीरीज में मिलाकर टोटल 20 ओम्स रेजिस्टर है। अब यहाँ से आर ई 20 माइनस 10 आर ई बाई 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पे आर ई की वैल्यू पुट की आर बाई 2 जो हमने पैरेलल के लिए फाइंड की थी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 20 ओम्स, ठीक है। तो ये एक आर 20 ओम्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर ये पैरेलल में हैं, तो वो हो जाएंगे 10 ओम्स के, और 10 को जब 10 में प्लस करेंगे तो ये 20 ओम्स। इसलिए एक यहाँ पे आर की वैल्यू 10 ओम्स है।